भिंड जिले के महगांव में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन के अनुपम पावन प्रेम की प्रतीक राखी रक्षा सूत्र के माध्यम से भिंड को पूरे विश्व भर में पहचान दिलाने भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के प्रदेश सह संयोजक अशोक भारद्वाज के द्वारा महगांव में अपने ग्वालियर रोड स्थित निज निवास पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। 31 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में ददरुआ सरकार के महंत रामदास महाराज भी शामिल होंगे। चंबल क्षेत्र के भिंड जिले में हो रहे इस अनूठे आयोजन से भाई बहन के मधुर रिश्ते की मजबूत डोर विश्व पर परचम लहराने के संकल्प का नतीजा होगा गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज। यह अद्भुत 1000 फुट से भी अधिक लंबाई लिए बीच में राखी का गोला 25 फुट का रहेगा। अगल बगल में राखी की डोर लगभग 500 फुट की लंबी रहेंगी। 31 अगस्त को इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे कारीगरों ने लकड़ी थर्माकोल कपड़ा ऊन धागा साड़ी आदि को मिलाकर सुंदर अनुपम राखी बनाई जा रही है। जानकारी अनुसार बहनों को दिए जाने वाले तोहफे बनाने के लिए कारीगर दिल्ली कोटा ग्वालियर से आए हैं। आयोजन यहाँ रक्षाबंधन का पर्व हम लोग यहाँ इस प्रकार से मना रहे हैं कि हम चंबल में अभी तक का जो चंबल का नाम चलता था जिस प्रकार से लोग चंबल का नाम लेते ही दिमाग में आता था कि चंबल डाकुओं की धरती है तो उसको थोड़ा सा ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि चंबल उस भूमि का नाम है जहाँ से हम विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी बना के। तो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले लाडली बहना योजना लेके आए हैं, अब भिंड में भाजपा के सारे नेता रक्षाबंधन मनाने में जुट गए हैं, कल अमरीश शर्मा ने भी बनाया, अब आप बना रहे हैं, इसके बाद संजीव सिंह बनाएंगे, अच्छी चीज़ है ना, हमारे सनातन का प्रचार हो रहा है। सनातन का प्रचार चुनावी वर्ष में क्यों याद आ रहा है सब? नहीं, चुनावी वर्ष में क्या है, अभी तक रक्षाबंधन हम लोग बनाने थे, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना योजना लेके आए तो लाडली बहना शब्द जैसे ही आया तो रक्षाबंधन का त्यौहार याद आने लगा। रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो दिमाग में क्रिएटिविटी लेके ये आया कि राखी बांधना है तो राखी बांधना है तो ऐसी राखी बांधी जाए जो विश्व के इतिहास में है, ऐसी हो जाए कि इतिहास लिख जाए। कांग्रेस कह रही है ये रक्षाबंधन नहीं, ये तो गठबंधन है। कांग्रेस का अपना नजरिया है, कांग्रेस कहे अच्छी बात है, बहने भाई को वोट देंगे इसमें बुराई क्या है? आपको कब है ये कार्यक्रम? 31 तारीख को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, OMG 5 प्रकार के रिकॉर्ड विश्व में जो दिए जाते हैं वो 5वां विश्व रिकॉर्ड वाले 31 तारीख को सुबह 10 बजे ग्वालियर में 30 तारीख को लोग आ जाएंगे, 31 को सुबह से लोग आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ आधा घंटे 20 मिनट हर एक को रिकॉर्ड देने में लगेंगे। ये प्रक्रिया लगभग 11 बजे से शुरू होके और 2 बजे तक सारे रिकॉर्ड साथ में आ जाएंगे। बहनों का राखी बांधने का क्रम भी उसी समय शुरू हो जाएगा और वो शाम तक अनवरत चलेगा। चंबल ने देश को बहुत कुछ दिया, चंबल को अब कुछ मिल रहा है, ये आइडिया कहाँ से आया और आपको कैसा लग रहा है? कार्यकर्ताओं से, हम लोगों को ये बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, चंबल ने बहुत कुछ दिया, चंबल को लोग जिस प्रकार से जानते हैं, हम सबका ये दायित्व है कि चंबल को अच्छे कामों के लिए जाना है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि है, अटल जी चंबल के किनारे पैदा हुए उनकी कर्मभूमि है, मामा माणिकचंद वाजपेयी की कर्मभूमि है चंबल, वीरभूमि है चंबल। हमारे यहाँ अभी तक जितने भी सेना में शहीद हुए हैं शायद चंबल के बराबर शहीद विश्व में कहीं नहीं हुए। चंबल हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं लिखा नहीं गया, मुझे भिंड के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी तक भिंड का नाम BHIND गिनीज बुक में है ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं है, इसलिए दिमाग में आया कि महंगा और भिंड कम से कम गिनीज बुक में तो लिखा जाए। राखी की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी, कितना समय लगा है बनने में? 15 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, राखी की लंबाई चौड़ाई अभी तक का जो रिकॉर्ड है गूगल पे आप सर्च करें उस रिकॉर्ड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। राखी कितना खर्च? खर्च तो पता ही नहीं, सारे कार्यकर्ता महंगाव क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, जिसके जो दिमाग में आता है, कारीगर बैठे हैं 15 कारीगर हैं उनके दिमाग में आ रहा है, किसी ने कहा कि 2 किलो फॉर्म लगेगा, किसी ने कहा 5 किलो ऊन चाहिए, किसी ने कहा 10 सौपे का कपड़ा चाहिए, हर कार्यकर्ता दौड़ के जाता है ले आता है, किसी को ये पता ही नहीं कि क्या खर्च कर रहा है कौन खर्च कर रहा है। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अशोक भारद्वाज लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं और ये चुनावी समय है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और एक अच्छा इवेंट कहें या अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या राजनीतिक संभावना भी तलाश रहे हैं इसके बारे में? क्या राजनीतिक संभावना कोई तलाशी थोड़ी जाती है, पार्टी की संभावना, टिकट की संभावना पार्टी का काम है,
पार्टी अगर ये समझेगी कि अशोक भारद्वाज उपयुक्त कार्यकर्ता है तो पार्टी अपना काम क्या कराएगी। पार्टी ने मुझे आर्थिक प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक बनाया, क्यों? मैंने व्यापार किया, मैंने व्यापार किया जीवन भर। उनने कहा तुम्हें आर्थिक प्रकोष्ठ का सहसंयोजक बनाते हैं, प्रदेश का आर्थिक सुझाव आपसे आमंत्रित किए जाएंगे। तो मेरे पास जो क्रिएटिव आइडिया हैं, मेरे पास जो ज्ञान है, मेरी जो उपयोगिता है, उस मेरी उपयोगिता पार्टी को कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है, ये पार्टी देखेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता चुनाव में जाता है, चाहे वो किसी रूप में जाए, कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट के रूप में जाए, प्रत्याशी के रूप में जाए, सेक्टर एजेंट के रूप में जाए, शक्ति केंद्र का प्रमुख हो उसके रूप में जाए, किसी भी रूप में कार्यकर्ता चुनाव में जाता है। टिकट कोई मांगना नहीं है, टिकट के लिए कोई बायोडाटा, ये लोग बायोडाटा लेके जो घूमते हैं वो टिकट मांगना नहीं है। टिकट पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है हमारा, वो डिसाइड करता है कि कौन सा कार्यकर्ता हमारा चुनाव में भेजे हम और कौन सा कार्यकर्ता हमारा चुनाव जीत के आएगा। उस कार्यकर्ता भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।